दीवार फांदी, पहले जेल की भीतरी दीवार 16 फीट की और बाद में बाहरी दीवार 18 फीट की। पूजा के पहले जेसफ कारखाना के श्रमिकों को मिला पूजा का बोनस। जी हां, 3 महीने तक बंद रहने वाली कंपनी को फिर से खोलने की घोषणा शनिवार दोपहर को कारखाने के प्रबंधक ने कर दी है। साथ ही श्रमिकों का बकाया वेतन भी देने का वादा किया है। पूजा के पहले ही जेसफ के श्रमिकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। जी हां, 15 मई से बंद जेसफ कारखाने को आज औपचारिक रूप से खोल दिया गया है। आज दोपहर 1 बजे जेसफ के मालिक पवन रुइया ने कारखाना खोलने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में हम कारखाना में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देंगे। रुइया ने कहा कि हमें भरोसा है कि अब कारखाने में ताला लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू माई नॉलेज सिंस अगस्त 2003 व्हेन वी टुक ओवर फ्रॉम द गवर्नमेंट जेसफ हैज नेवर एवर बीन क्लोज्ड। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव टू पुट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। You have to be very clear. I mean, do you think any people accepting one faction of the people who are doing some mischievous activity here, anybody else feels like that it is starting for a Alpo? What they can do? They have, those small set of people have destroyed the entire working of 600 people. And today they say, and they are just trying to publicize something wrong that it is opening for a smaller period. What is the intention of ours in opening the factory? Just for showcasing that government want to showcase that factory is open? इस मौके पर स्थानीय सांसद सौगत राय, उद्योग मंत्री अमित मित्रा और श्रम मंत्री मलय घटक भी उपस्थित थे। वित्त व उद्योग मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक मौका है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। जेसफ की तरह कंपनी जो बंद पड़ा हुआ था अब खुल चुका है। गौरतलब है कि 6 अगस्त को ही दमदम के जेसफ कारखाना को लेकर त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में 14 अगस्त से पहले कारखाना खोलने का फैसला लिया गया था। हावड़ा के जगाछा के मुंशीहाट स्टेशन में एक महिला ने अपने 2 बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मामला अवैध प्रेम संबंध का है, जिसकी वजह से महिला ने बच्चों सहित आत्महत्या कर लिया।